इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। एटीएस की टीम ने मानव तस्करी करने वाले गैंग की मदद करने वाले देहरादून के निवासी अजय खिलजियाल को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, बांग्लादेश म्यांमार के नागरिकों को अवैध रूप से भारत लाकर ये कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर हिंदू बना दिया जाता था। भारतीय बन जाने के बाद उन्हें मानव तस्करी के माध्यम से विदेश भेज दिया जाता था। इसके साथ ये सारा काम एक गैंग करता था। इस गैंग का सहयोग करने वाले देहरादून निवासी अजय घिंडियाल को एटीएस की टीम ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया है। तो ये एक बड़ी जानकारी और यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है एटीएस की तरफ से। गैंग की मदद करने वाला शख्स जो है उस पर पुलिस की नजर काफी समय से थी, एटीएस की नजर काफी समय से थी और अब इसको गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, गैंग का सहयोग ये करता था अजय घिंडियाल, इसका नाम बताया गया है, जिसको एटीएस ने अब पकड़ लिया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। मानव तस्करी गैंग का सहयोग करने वाला ये शख्स अजय, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, भारतीय बनाकर मानव तस्करी के माध्यम से विदेश ये भेजा जाता था और अब ये बड़ी सफलता एटीएस को, एटीएस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और अभी इससे पूछताछ कर रही है और कौन कौन इस ग्रुप में शामिल था इसकी जानकारी भी अब ये माने जा रही है कि जल्द ही सामने आ सकती है। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शुभम पांडे जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। शुभम, एक बड़ी कामयाबी एटीएस के लिए यहां पर है, कितने समय से इस गैंग के साथ ही इन्वॉल्व था, अभी क्या जानकारी से निकल के आ पाई है? देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी तलाश यूपी एटीएस समय समय पर करती रहती है, उसको लेकर के तमाम प्रयास करती है। ऐसे में जब इस अपराधी को पकड़ने के लिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर विस्तारा एयरलाइंस में काम करता था और इसको बहुत लंबे समय से तलाश कर रहे थे यूपी एटीएस, और जब इसको पकड़ा है तो वहां पर बताते हैं कि एक कर्मचारी के तौर पर विस्तारा एयरलाइंस में कार्यरत था और ये म्यांमार और कुछ ऐसे देश वहां के नागरिकों को यहाँ के रूप भारतीय नागरिक के रूप में प्रतिरूपित कर अन्य देशों में भेजने का काम करता था। और ये पूरा मामला लगभग करीब 8-9 लोगों को अब तक इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया यूपी एटीएस की तरफ से और इसको लेकर के भी लंबे समय से तलाश चल रही थी, जिसके बाद जब इसको हिरासत में लेने के बाद 19 तारीख को इसको कोर्ट के सामने पेश किया गया, जिसके बाद न्यायिक हिरासत में पुलिस की तरफ और उसके बाद अब उन तमाम तथ्यों पर भी पूछताछ चल रही है कि कहां इसका पूरा रैकेट चलता है, कहां क्या नेटवर्क है, किन किन लोगों से इसकी बातचीत होती है। तो ऐसे में अब इसके बाद पूरी जांच यूपी एटीएस कर रही है, जिससे कि इस पूरे गैंग का पूरा इन लोग का गैंग होता है जहां पर इनकी बातचीत होती है, पूरा सरगना होता है, तो उसकी पड़ताल अब यूपी एटीएस ने शुरू कर दी, जिससे कि जल्द से जल्द जो और भी गिरोह हैं उनको भी पकड़कर इसी तरह से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और ये अब माना जा रहा है शुभम कि अब जब इससे पूछताछ हो रही है तो कुछ और लोगों के सामने आने की आशंका है। खैर, ये आगे पता चलेगा।